मैं अपने साउथ फिल्म्स के साथ बिजी थी और मैं ऐसी कहानी की वेट कर रही थी जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और फिर दीपक जी जब ये कहानी सुनाने आए, आई लव्ड इट एंड माय इंस्टेंट रिएक्शन वाज लाइक यस, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो मेरे कैरेक्टर का नाम है जेनी और ये बहुत ही सिंपल, भोली भाली, बहुत ही प्यारी सी लड़की है. और जब आप इसे स्क्रीन पे देखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू वोंट लाइक हर. शी इज वेरी लवेबल, शी इज अ लवली कैरेक्टर. अंकित जी, दो लव्स क्या है मेनली, क्या दो लव प्यार कहानी है वो दो लव्स की? तो गाना हमें सुनाए जो आपने रिकॉर्ड किया. मैं बताता हूँ क्या होता है कि जो हम गाना फिल्म के लिए बनाते हैं जी, किसी भी फिल्म के लिए, तो हमें या हमारे डायरेक्टर को अलाउ नहीं होता है कि फिल्म का पहला प्रोमो या पहला कट आता है उससे पहले हम आपको सुना पाए. okay. ये हमें अलाउ नहीं होता है, हम कर नहीं सकते ऐसा. तो जब हम आए हैं तो आपसे कोई ना कोई आपका फेवरेट गाना, आज मुझे सिर्फ बोलने का मन है. आज मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग एक गलती करते हैं, आप लोग माइक लगाते हैं सर दो लाइनें, कभी बोल ही नहीं पाता मैं. आज बोलने का मौका मिला, बोलिए जो बोलना चाहते हैं. तो मैं नहीं बोल तो रहा हूँ, आप सवाल करेंगे मैं बोलता जाऊंगा. तो ऑफकोर्स मतलब आप जो कहना चाह रहे हो वो, ये रोमांटिक फिल्म है और मेरा मेरे गाने के पीछे का नरेशन बहुत अच्छा था, बहुत क्लियर था हर एक चीज़ कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे, क्या होने जा रहा है. मुझे पता था काजल क्या रोल निभा रही हैं, रणदीप क्या रोल निभा रहे हैं, मुझे हर एक चीज़ डिटेलिंग में बताई गई है. तो इतना अच्छा नरेशन मिला है तो अब गाना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. हमेशा शाहरुख स्टाइल में आप रहते हैं, तो फैन और रईस का ट्रेलर या टीजर आपने देखा क्या? ओह माय गॉड, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट? हमेशा मैं आपको देखता हूँ कि इन स्टाइल में आप सूटी और ये एक्चुअली इसका चलने का तरीका, बात करने का तरीका सेम स्टाइल आपका. अरे बाप रे, सम्राट है जो कॉपी करते हैं सलमान को, एक तरफ अंकित तिवारी है जो. सर देखिये, मेरा एक्टिंग से कोई ऐसा लेना देना है नहीं, ठीक है. और बात रही, पता नहीं तो आपको कहाँ पोनी से लग रहा होगा, अगर आपको इसमें शक्कर है तो उसका रीजन, उसका रीजन ये है कि बाल कटाने का टाइम कहाँ है. हाँ मतलब एक तरह से ये बोला जा सकता है, तो वो पोनी कर लो क्योंकि शर्ट पे ऐसा लगता है, ऐसा होता है. और हाँ, किसी को देख के शायद हम इंस्पायर हो जाते हो, तो मैंने देखा और इनफैक्ट मैंने पूछा उनसे जब मैं मिला शाहरुख खान से, तो मैंने पूछा सर ये पोनी का क्या रीज़न है, तो उन्होंने सेम प्रॉब्लम बताया कि यार वो शर्ट पहनता हूँ ना तो होता है कभी कभी लगता है, और स्टाइल में भी आ जाता है, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं. काफी सारे सिंगर हैं जो अभी एक्टिंग में आ गए. तो नहीं सर, ऐसा प्लान ऐसा नहीं है बिल्कुल. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर मैं वो कैमरा के सामने आना है और कुछ करना है, तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपना सिंगल प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑफकोर्स स्क्रीन पे दिखूँगा अपने गाने को लेके. लेकिन वो अपने गाने पे ही थोड़ा बहुत एक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग. स्क्रीन पे एक्टिंग करना डायलॉग के साथ मतलब आई थिंक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हर एंड मी.